वेलकम टू एचके 24 न्यूज। आज है हमारे साथ शमसुल मुबीन जो कि सोशल वर्कर हैं। आपका एचके 24 न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। एमएलए बी नारायण राव के निधन के बाद बसोकल्याण में बाय इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपकी नजर में कौन से पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है बसोकल्याण में? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आपने बताया कि बी नारायण के निधन के बाद शहर बसोकल्याण से कौन सी पार्टी जीतेगी, मेरा ये मानना है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद निर्भर करेगा कि वोट किसके हक में जाएगा और माहौल किस तरीके का क्रिएट होगा। जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता, इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। इस बाय इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से हमारे सीएम बीएस येडियुरप्पा के बेटे को या हमारे एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खड़गे को, आपकी नज़र में दोनों में किसको मिलेगा टिकट बीजेपी का? ये आपका सवाल मेरे से नहीं बल्कि जो है बीजेपी के हाई कमान से करना चाहिए जो स्टेट के जिम्मेदार हैं। फिर भी अखलाकी तौर पर आपने जो सवाल किया उसका जवाब मेरी नज़र से लोकल कैंडिडेट रहेगा तो बसोकल्याण की अवाम के लिए बेहतर होगा। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पीछे में भी जो है शहर बसोकल्याण की जो है रहनुमाई कर चुके हैं, तो मेरा मानना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बसोकल्याण के लिए बेहतर एमएलए हो सकते हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का टिकट विजय सिंह को दिया जाएगा या बी नारायण के धर्म पत्नी को दिया जाएगा, आपका इस बारे में क्या कहना है? अजीब बात है, ताज्जुब का मुकाम है, समझ से परे है ये बात कि शहर बसोकल्याण में क्या ऐसी कोई जो है सियासी शख्सियत मौजूद नहीं है जिसके चलते हमें चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो जो येडियुरप्पा साहब के फर्जंद की बात आती है, या कांग्रेस के लिए कैंडिडेट की बात हो, धर्म सिंह साहब के फर्जंद की बात आती है, हमें यहाँ पर हमारा लोकल कैंडिडेट अगर मिलता है तो हमारे काम और हमारे बसोकल्याण के विकास के लिए, उसके डेवलप के लिए हमारे लिए रास्ते बन सकते हैं और यहाँ की अवाम जाकर उनसे रूबरू होकर बात कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की सोच, उसके आला कमान की सोच समझ से बाहर है कि उसे लोकल का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। लोकल में जो कैंडिडेट हैं, पब्लिक का जो डिमांड है, पब्लिक के डिमांड को देखते हुए लोकल के कैंडिडेट को अगर कांग्रेस देती है टिकट, तो बसोकल्याण शहर के जो है अवाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद होगा, मेरा ये मानना है। रही बात बी नारायण साहब की मोहतरमा धर्मपत्नी हो या जो है धर्म सिंह साहब के बेटे विजय सिंह हो, ये दोनों कैंडिडेट मेरी नज़र से गैर मौजू है। मैं ये चाहता हूँ, अगर मेरा आप नज़रिया पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बसोकल्याण से ही कोई कायद, कोई लीडर को जो है तलाश किया जाए और उस हीरे को जो है मार्केट में लाकर उसको टिकट दिया जाए। क्या माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस को जाएगा या एमआईएम को जाएगा या जीडीएस को या वेलफेयर पार्टी को या किसी और पार्टी को जाएगा, आपकी नज़र, आपको कैसा क्या महसूस करते हैं? आपका ये सवाल जो है मेरे को चिंता में डाल रहा है। मैं तसबजब का शिकार हूँ कि मुस्लिम वोट किसको जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों की क़यादत किस डगर पर है, मुसलमान वोट कब तक कांग्रेस को दे? मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये जानना चाह रहा हूँ कि हम वोट कब तक कांग्रेस को दे। भाई हमारे पास तीसरा कोई विकल्प होना चाहिए। यहाँ के मौजूदा जो सियासी कायदीन हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। भाई इस भ्रम में, इस डर में कब तक रहना? तो मेरा मानना यह है कि भाई हमारे पास कोई तीसरा विकल्प होना चाहिए। विकल्प नहीं है, अगर बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते तो कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं है, ऐसा मानना बसोकल्याण के तमाम कम्युनिटी में है। इस लिहाज से अगर कोई कैंडिडेट
किसी तीसरी पार्टी का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या अदर पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, मेरा यह मानना है कि कैंडिडेट को देखकर बसो कल्याण के विकास में, बसो कल्याण की अवाम के हक में, हित में जो कैंडिडेट काम कर सकता है उसको वोट देना चाहिए। जी, क्या आपको लगता है कि नेशनल या स्टेट पार्टी मुसलमान को अगर इस बार इलेक्शन में मौका देती है तो आप क्या देखते हैं कि मुसलमान कैंडिडेट यहाँ पर जीत कर आएगा बसो कल्याण में? बसो कल्याण में जहाँ तक मुसलमान जीत कर आने की बात है, मुसलमानों को बसो कल्याण में मुसलमानों की तरफ से ही नुकसान हुआ है जी, मेरा मानना है जी। अगर मेरे इस कमेंट से किसी को ठेस पहुँचती है तो वो मैं उससे माजरत खा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बसो कल्याण के मुसलमानों को बसो कल्याण के मुसलमानों से ही नुकसान हुआ है। जो कम्युनिटी में ये ताकत है कि किसी भी कैंडिडेट को जिता सकती है, जैसा कि हमने पिछले में देखा कि जो है हमारे मुड़े साहब को जो है बसो कल्याण के मुसलमान जो है आधी रोटी खाएंगे मुड़े को लाएंगे बोल के जो है उनके फेवर में वोट किए जी, और नतीजा ये आया कि बी नारायण साहब विन हो गए जी। फिर जिस वक्त अटूर साहब भी थे, मुसलमान अटूर साहब को वोट डालते थे, लिंगायत के साथ मिलकर डालते थे, अटूर साहब जीतते थे। जब मल्लिकार्जुन खोबा साहब को भी मुसलमानों की अच्छी खासी जो है तादाद वोट फॉरवर्ड करती थी, आप भी जीतते थे। अब बी नारायण साहब भी जो है मुसलसिल 30-35 साल से जो है सियासी वर्क करते रहे, उसके बाद जो है आपको भी जो है मुसलमानों की बदौलत MLA जो है आप बने। क्या मुसलमान का अगर कैंडिडेट ठहरता है या कोई पार्टी देती है तो क्या मुसलमान के अलावा दूसरी कम्युनिटी के आपको वोट मिलेंगे मुसलमान कैंडिडेट को? नहीं, मुसलमान कैंडिडेट ठहरता है? नहीं, मुसलमान कैंडिडेट ठहरना चाहिए यहाँ के हमारे जो ठहरना चाहिए वो है, लेकिन आप मुसलमान बताए ना, अभी मुसलमान से बिखरे वाला है या मतलब बिखरे वाला है, तो अगर मुसलमान अगर एक होकर भी देते हैं तो, या एक होने के बाद भी अगर दूसरे कम्युनिटी के जो हमारे पास अदर कम्युनिटीज है तो उनके भी वोट मुसलमान कैंडिडेट को आ सकते हैं क्या? देखिए रफुली साहब, एक कम्युनिटी जी बसो कल्याण में तीन कम्युनिटी जो अच्छी अक्सरियत रखते हैं जी, जिसमें हमारे लिंगायत ब्रादर हैं जी, और हमारे मराठा ब्रादर हैं जी, और हमारे मुस्लिम ब्रादर हैं जी। ये तीन कम्युनिटी में से जो दो कम्युनिटी हैं जी, जिस कैंडिडेट को दो कम्युनिटी का वोट पड़ता है, जैसा कि सुनने में आता है मुड़े साहब इस बार इलेक्शन में ठहरेंगे, तो वो ये बता रहे थे कि जो है मैं रिमोट सुना कि अगर मुस्लिम मुझे वोट देते हैं तो मैं ठहरता हूँ जी, तो उनको अपनी कम्युनिटी को श्योर है कि मराठा बिरादरी मेरे को वोट डालेगी, और मुसलमान भी जो है मेरे कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो मैं ठहरूंगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर मुसलमान चेहरा कैंडिडेट जो एक मकबूल चेहरा हो, सोशल काम करने वाला हो, लोगों में फील्ड वर्क करने वाला हो, और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि चंद अफराद पर जो है हम जिम्मेदारी आयद भी करें, और हमारे लीडरान की जिम्मेदारी, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी लें, और आप जब किसी को जिता सकते हैं तो आप भी जीत सकते हैं जी। सुने, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकते। अब आप देखो पिछले हमारे जो है बल्दिया के इंतखाबात में जी, हमारे मुजाहिद पाशा साहब कुरैशी WPI से जीते जी। WPI जो पार्टी है वो एक नई पार्टी थी, उसकी कोई पहचान नहीं थी जी। लेकिन और वहाँ पर मुस्लिम वोटिंग ज़्यादा भी नहीं थी जी। उसके बावजूद जो है WPI जीती, मुजाहिद पाशा साहब कुरैशी जीते जी। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान नहीं जीतता। अब हमारे यहाँ ये माहौल बना हुआ है कि अरे भाई हमारा कैंडिडेट नहीं जीतता जी। भाई ये सोच, ये एहसास कमतरी हमको निकालना पड़ेगा अपने में से, और हमको जो है बुलंद हौसलों के साथ मुनज्जम तरीके से हमको आना पड़ेगा। पिछले जो अब मौजूदा और पिछले जो सियासी रहनुमा हमारे हैं, ये हमको इस ऐसा बोल बोल के जो है नहीं, हमारे कैंडिडेट नहीं जीतता बोलकर जो है किसी और कैंडिडेट को वोट देते हुए आए हैं, लिहाजा नहीं जीतता क्यों? हमारे बी नारायण साहब नहीं जीते, 35 साल तक मुसलसिल कोशिश किए, पहले पार्टी का टिकट मिला, उसके बाद उनकी हार हुई, फिर पार्टी टिकट दी,
उसके बाद वो जीते। आप जब तक किसी शोबे में अनथक जद्दोजहद कोशिश नहीं करते और आपके इरादे मजबूत और बुलंद नहीं होते, आप किसी भी फील्ड को नहीं जीत सकते। और मुसलमान कौम ऐसी है जो जीतने के वास्ते ही जो है वजूद में आई है जी। और आप कोशिश करना है, आप अगर हार भी जाते हैं तो आपको जो है मैदान नहीं छोड़ना है जी। पिछले में आपने देखा है कि हमारे जो है निसार अहमद साहब ठहरे थे जी। आप हारे, नेक्स्ट नहीं ठहरे जी। हमारे जहांगीर वकील साहब ठहरे थे, नेक्स्ट नहीं ठहरे जी। सुने, और जो है खान साहब, सरदार खान साहब ठहरे थे, फिर नेक्स्ट नहीं ठहरे जी। कोई कैंडिडेट एक बार ठहरते जीतना जरूरी नहीं है, आपको मुसलसिल बार बार ठहरना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और रही बात आपका जो सवाल है उसको मैं कंप्लीट करूं कि दूसरी कम्युनिटी हमको वोट देती है नहीं देती जी। ये बात आपकी जो है ये बात ताज्जुब की बात है, पाशा साहब कुरैशी को दूसरी कम्युनिटी वोट दी हो जी वार्ड नंबर 17 में, नहीं तो आप नहीं जीतते थे जी। ठीक इसी तरीके से आप कोशिश करना है जी, नतीजा आपकी कोशिश पर अल्लाह पर छोड़ना है जी। मगर आप पहले का पहले ऐसा से कमतरी में अगर आ जाते हैं जी, और ऐसा सी कमतरी का शिकार होकर हम नहीं जीत सकते बोलते तो आप कभी नहीं जीतेंगे जी। मेरा मानना ये है बसो कल्याण में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पिछले बार डिमोस्ट्रेशन भी किया गया एसआई की तरफ से, तो आपका क्या मानना है कि बसो कल्याण में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना है तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं बसो कल्याण के लेवल पर, यहाँ पे स्टूडेंट को क्या असर हो सकता है वो आने के बाद? SIU यूनिट बसो कल्याण की जो कोशिश है जी, जिस कास्ट को लेकर वो उठे हुए हैं जी, कि बसो कल्याण में यूनानी मेडिकल कॉलेज का इनेखाद अमल में आए जी, तो मैं समझता हूँ बसो कल्याण के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि चंद स्टूडेंट्स के जहन में ये ख्याल आया कि भाई इस तरीके का जो है कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए जी। जो कि मैं समझता हूँ पूरे कर्नाटक स्टेट में इस तर्ज का वाहिद एक इदारा बेंगलुरु में है जी, और बड़े बड़े सिटीज में भी नहीं है। अगर बसो कल्याण में ये आता है तो गुलबर्गा डिविजनल के लिए बड़े फायदे जी, और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहमियत का सबब बन सकता है जी। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम स्टेट लेवल पार्टीज, नेशनल पार्टीज के लीडरान, चाहे वो JDS के हो, चाहे BJP के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे हमारे हिंदू ब्रादर हो, मुस्लिम ब्रादर हो, तमाम कम्युनिटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे बढ़ाए। इसमें जो विंग SIU की इस काम को लेकर उठी है जी, उसका ताउन हर प्लेटफॉर्म से और हर सियासी प्लेटफॉर्म से होना चाहिए जी। ये किसी एक कौम का, मजहब का इदारा नहीं है, बल्कि ये पूरे जो है कर्नाटक स्टेट की जो है अवाम के लिए बाहर खुशखबरी होगी। और बसो कल्याण में कुछ लोगों का इसके जरिए से जो है रोजगार के जरिए भी उनके लिए खुलेंगे जी। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है, इसको तमाम सियासी पार्टियां इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो किसान 2 महीने से लगातार आंदोलन में लगे वाला है, क्या मौजूदा गवर्नमेंट इनके इनके 2 महीने को बैठना नहीं देख रही? क्या ना घर बार छोड़कर अपने पूरे बीवी बच्चों के साथ रोड पर बैठे हैं, तो गवर्नमेंट को वापिस ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि ये बिल को वापस नहीं ले रही गवर्नमेंट? आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है, जो लोग आंदोलन पर हैं जी वो भारत के देशवासी हैं जी, और सरकार पर ये जिम्मेदारी है जी कि उन लोगों की तकलीफों को महसूस करते हुए जी, उनके डिमांड क्या हैं इस पर गौर फिक्र करना चाहिए जी, और कोई एक ऐसा अच्छा रास्ता जिससे इस आंदोलन का खात्मा हो जी, और किसानों की डिमांड भी पूरे हो जी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जी, और जब हुकूमत अपनी अवाम की बात नहीं सुनेंगी तो यकीनी तौर पर हुकूमत तब्दील होगी जी। किसान आंदोलन जिस तर्ज पर चल रहा है, लगभग 60 दिन होने का आए हैं जी, मुख्तलिफ मसाइल से 2-4 लोग हैं, हुकूमत पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके मसाइल को हल किया जाए जी, और बिल वापस लिया जाए जी। ये हुकूमत इस पर गौर करे, ये मेरा ऐसा मानना है जी। और
किसानों में मुसलसिल खुदकुशी का मामला बढ़ रहा है जी। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस मामले को संजीदगी से लें।